देखिए, विपक्ष वॉकआउट करके न्यूज़ में बना रहना चाहते हैं, जनता से जुड़े मसलों पर प्रस्ताव लाते, प्रदेश के विकास के क्षेत्र में प्रस्ताव लाते, किसी विधानसभा क्षेत्र के विकास में प्रस्ताव लाते। काम रोको प्रस्ताव जो नियम 67 का सबसे बड़ा हथियार है, वो विधायक निधि को लेकर आए। और मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि विधायक निधि विधायकों से जुड़ी हुई है, और जो काम रोको प्रस्ताव होता है वो प्रदेश के विकास, प्रदेश में कहीं मान हानि हुई हो, प्रदेश में कभी कोई ऐसी बाढ़ आ गई हो, आपदा आ गई होगी हो, कोई बड़ी घटना हो गई हो, उस दृष्टिकोण से लाया जाता है। विधायक निधि के संबंध में प्रस्ताव लाए। अब आर्थिक बदहाली से जो प्रदेश गुजर रहा है और हम व्यवस्था को सुचारू करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने कहा है कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए, हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आई है, जिसकी झलक आपको आज देखने को भी मिली। मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रदेश की आर्थिक हालत ठीक नहीं है, लेकिन विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे, विकास को नई दिशा देंगे। हम अपने आय के स्रोत कैसे बढ़ाएं उसको नई दिशा देंगे, और दिन रात मेहनत करके हिमाचल प्रदेश की जनता में हम अपनी सरकार के जो वचनबद्धता है, कटिबद्धता है, उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। मुझे उनका वॉकआउट करना उचित नहीं लगा। ये छोटा सा ये विधायक निधि 68 MLO से जुड़ी हुई थी, जिसको एक बंद कमरे में किया जा सकता था, लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए करें। राजनीतिक लाभ किस चीज़ का? आप जनता की जुड़ी समस्याओं से लाते तो मैं कहता कि आपका काम, हम ये काम करते। और इस दृष्टि से आज बड़ा ये जो बीजेपी ने वॉकआउट किया, उन्हें अपनी रणनीति पर दोबारा भी विचार करना चाहिए। सर, उन्होंने ये कहा कि जो अभी जो स्थिति बनी है, क्या क्षेत्र के बिलों का क्या प्रावधान है, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि इसकी लाइबिलिटी देश में जनता भी देगी, किस तरह का? कौन सा वाटर सेस जो है वो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर लगता है। वाटर सेस का मतलब है जिन्होंने जो 172 हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट जो बिजली पैदा करते हैं 12,000 MW के करीब, उसके जो डैम बनते हैं उस पर वाटर सेस लगता है। और ये प्रश्न ही नहीं है, वाटर सेस तो उस पर लगता है। सर, नेता प्रतिपक्ष ये कह रहे हैं कि संतुष्ट नहीं है सरकार के जवाब से, जो लाइबिलिटी पहले से जो कांग्रेस सरकार की थी वो तो वो आगे लेकर गए हैं, और आप तो कर्ज जो चुका कर नहीं गए थे, ऐसा जो है पूर्व मुख्यमंत्री ने। पूर्व मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं वो गलत है। हमें ये थोड़ी सोचना है कि पिछले ने कर्ज दिया और हम आगे और भी चले। हमें ये सोचना है कि उसको व्यवस्था को कैसे सुचारू करना है। हमें ये भी सोचना है कि महज कर्ज ही हमारा दायित्व नहीं है, हमारा आय के स्रोत बढ़ाना भी दायित्व है। इस दृष्टि से हमने सोचना है। अगर वो सोचते हैं कि हम मुख्यमंत्री बन जाए हैं, उसके बाद मेरे पास जो धन है मैं कर्ज लेकर कुछ लेकर अपनी व्यवस्था सरकार चलाऊं, तो ये ठीक नहीं होता। हमें हिमाचल के भविष्य के जो युवा पीढ़ी है उसके लिए सोचना है, किसान के लिए सोचना है, महिलाओं के लिए सोचना है, मजदूर के लिए सोचना है, कर्मचारियों के लिए सोचना है, अधिकारियों के लिए सोचना है। हमने फिर भी व्यवस्था की, 1,000 करोड़ हमने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत ला रहे हैं। हम व्यवस्था कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं। अब ये कहना कि महज MLO को हिमाचल सदन, हिमाचल भवन दिल्ली में 1200 रुपया लगते हैं और सब्सिडी का खाना भी बंद कर दिया गया है, मैं भी खुद उनके अधिकारों का प्रयोग कर रहा है, और कर्मचारियों को सिर्फ 500 रुपया लगता है, इस दृष्टिकोण से हमें नहीं सोचना है। हमें सोचना ये है कि हमें एक समानता सब जगह लानी है, ताकि आम आदमी और कोई खास आदमी में अंतर ना रहे, आम आदमी की तरह हम लोग जिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।